नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हाईकोर्ट में खारिज हुई है देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ याचिका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका थी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ वो नैनीताल हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। तीर्थ पुरोहितों को नहीं मिली है हाईकोर्ट से राहत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी वो खारिज हो गई है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरने पर तीर्थ पुरोहित बैठे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तीर्थ पुरोहित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट में जो देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर की गई थी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से वो खारिज हो गई है। हाईकोर्ट से तीर्थ पुरोहितों को कोई राहत नहीं मिली है और अब तीर्थ पुरोहित धरने पर बैठ गए हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वो खारिज कर दी है नैनीताल हाईकोर्ट ने। और अब ये खबर आ रही है कि जो तीर्थ पुरोहित हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बड़ी खबर, कमल जगाती हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कमल, जिस तरह से कहीं ना कहीं स्वामी की याचिका खारिज हुई है तो सरकार को राहत मिली है, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने बोला है कि ये याचिका को खारिज किया जाता है, कोर्ट के बाकी आदेश के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब कोर्ट का इस ऑर्डर को अपलोड करा जाएगा उनकी वेबसाइट में। इसके अलावा जो एक ट्वीट आया है वो एक महत्वपूर्ण ट्वीट है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने, याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि इट सीम्स लाइक द पिटिशन हैज बीन डिसमिस्ड। इसका मतलब है, ऐसा लगता है कि वो डिसमिस हो गई है और इसके खिलाफ हम ऑर्डर मिलने के बाद कोर्ट से हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे। इसका मतलब ये साफ हो गया है कि जो पीठ पुरोहित है उनके लिए स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो गई सुब्रमण्यम स्वामी की, जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ डाली गई थी और अब जो तीर्थ पुरोहित हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाएंगे। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरने पर थे तीर्थ पुरोहित और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ याचिका डाली थी नैनीताल हाईकोर्ट में उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार को कहीं ना कहीं राहत मिली है लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पिटीशन लगाई थी, चारधाम एक्ट को चैलेंज किया था और हमने उसमें इंटरवीन करके उनकी पिटीशन को अपोज किया था और वी हैव पुट इट बिफोर द कोर्ट के किसी भी हिंदू राइट्स रिचुअल्स का कोई वायलेशन नहीं है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुँचाता, ये एक्ट केवल सेकुलर मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए है। तो आज कोर्ट ने हमारे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। वो एक्ट को कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रेज बाय श्री स्वामी जी हैज़ फेल्ड और वो बोर्ड बिल्कुल चले। हमारा कहना है कि जैसे ये हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया है उसको पढ़ने के बाद, जो अंतिम फैसला आएगा, जो हमारे हाथ में रिटर्न कॉपी आ जाएगी, उसके फैसले को पढ़ने के बाद फैसला लिया जाएगा कि इसको किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनीताल हाईकोर्ट में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जो याचिका है वो खारिज हो गई है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह याचिका दाखिल की थी और अब तीर्थ पुरोहित कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि तीर्थ पुरोहितों के हितों की अनदेखी नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की
जो इच्छा थी चारधाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है। और हमने शुरू से ये कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड हम आने वाली भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं व्यवस्थाओं से संबंधित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, देवस्थानों के संरक्षण की दृष्टि से हो, उनके डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से हो, इसलिए ये बोर्ड बनाया जा रहा है। और यात्रा कैसे हमारी सुरक्षित हो सकती है इन सब बातों का ख्याल रखा गया। हमने शुरू से एक बात कही कि जितने भी हमारे पुरोहित समाज है, जो पंडा समाज है, उनके हक हकूकों की हम सुरक्षा करेंगे, उससे कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके हितों को और कैसे सुरक्षित किया जा सकता है उसका हम लोग निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं, परंपराओं का हमारे देश में ही नहीं सारी दुनिया में विशेष महत्व है। और जब हम धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों की बात करते हैं तो परंपराओं का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और सुरेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हैं गंगोत्री मंदिर समिति के। सुरेश जी, जिस तरह से हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया गया, अब आगे आपका क्या कदम होगा? निश्चित तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और वो हिंदू धर्म की ध्वजा को लेकर चल रहे हैं, और कई जगह उन्होंने हाईकोर्ट के जो फैसले उनको पलटा है और सुप्रीम कोर्ट में जीता है, चाहे वो पद्मनाभम का मंदिर हो, चाहे वो आपके तमिलनाडु के नटराजन का मंदिर का फैसला हो, तो दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में जीते गए। तो मुझे लगता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जिसपे जाना चाहिए और सभी लोग तैयारी करेंगे, और हम लोग हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। और बड़ी खेद की बात है कि मुख्यमंत्री किसी उसका कहते अध्यक्ष बने, संविधानिक जो पद से पहले ही बैठा हुआ, जिसके लिए सारे धर्म बराबर हैं, तो इतनी कमियां उस एक्ट के अंदर हैं, तो मुझे लगता है। लेकिन अभी हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम खुद कह रहे हैं कि तीर्थ पुरोहितों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। कोई भी उनके द्वारा व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जाएगी, मैं तो बड़ा ताज्जुब मान रहा हूँ, अभी कोरोना है और हम गंगोत्री को स्वतंत्रता से चला रहे हैं, आप समझ लीजिए, तो हमारा उनके साथ कोई रोल नहीं है, सदियों से हम चलाते आ रहे हैं, किसी सरकार ने कभी चवन्नी का पैसा गंगोत्री धाम में नहीं दिया, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री क्या सोच लेके इसको कर रहे हैं, हम सब लोग उनका विरोध करते हैं, और निश्चित तौर पे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि हम वहां पर अपने पथ में आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश सोमवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। और अब सीधे रुख करते हैं देहरादून का, हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरह से अब सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज हो गई है, सीएम ने भी कहा है कि वो तीर्थ पुरोहितों के हितों का ध्यान रखेंगे, और जो चारधाम यात्रा है या और जो मंदिर है उसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन अब जो विरोध अभी भी कायम है, जिस तरह से अभी हम सुरेश सोमवाल को सुन रहे थे जो गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या माना जाए, कब तक ये जारी रहेगा? इस देखिए कौशल, अब राज्य में पूरी तरह से देवस्थानम एक्ट को लेकर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई है। जैसे आज सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद याचिका करता है, उनकी याचिका को उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन उनके पास में एक रास्ता जरूर है, विरोध जरूर है इसका भी, जिस तरह से लगातार इस देवस्थानम एक्ट को लेकर शुरुआती दौर से ही तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज विरोध कर रहे थे, हालांकि कुछ लोग और कुछ पंडित समाज के कुछ प्रबंधन के लोग राज्य सरकार के साथ भी है, उनकी सहमति भी बन गई थी, लेकिन अब आज का जो निर्णय आया है वो जरूर इतना है कि राज्य सरकार को राहत तो दी है, लेकिन दूसरा पक्ष यानी जो याचिका करता है उनकी तरफ से अब दूसरा रास्ता एक विरोध का है, और दूसरा एक और रास्ता सुप्रीम कोर्ट का है। लिहाजा आज पूरी अपनी बात में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरे इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर की,
और अब ये माना जा रहा था कि जिस तरह से विरोध लगातार तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज का था शुरुआती दौर से लेकर, अब उनके पूरे हक और हकूक को पूरे ध्यान में रखा जाएगा और उन्होंने पूरी व्यवस्था किस तरीके की रहेगी उसकी रूपरेखा भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके हक और हकूक को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन फिर ये विरोध क्यों है, फिर क्यों नहीं मान रहे, क्या मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है? जी देखिए, पंडित समाज और तीर्थ पुरोहित कौशल लगातार ऐसे थे, कुछ पक्ष राज्य सरकार के पक्ष में थे, कुछ ऐसे थे कि पूरी तरह से इसका जमकर विरोध कर रहे थे। लिहाजा अब स्थिति स्पष्ट होगा यह देवस्थानम बोर्ड को लेकर, अब अगला किस तरीके का विरोध राज्य सरकार के खिलाफ उन पंडित समाज का रहता है जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर उसको खारिज करने को लगातार तत्पर थे, लेकिन अब आगे की रणनीति पंडित समाज की जो खुद विरोध कर रहे थे उनका क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आ रही है जहां टांगा गांव में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपको बता रहे हैं, टांगा गांव में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से आज भी 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिथौरागढ़ के टांगा गांव से आज भी मलबे में 3 शव बरामद हुए हैं, हालांकि अभी भी 5 लोग लापता हैं। तो आपको बता दें, बांगा पानी में बादल फटने से तबाही हुई है। पिथौरागढ़ में बादल जो फटा था उससे भीषण तबाही हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज भी मलबे से 3 शव बरामद हुए हैं। योगेश पाठक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। योगेश, आज भी 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं, 5 लोग अभी भी लापता है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए कौशल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे विद्युत व्यवस्था भंग हो चुकी है, तो देर रात ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पे बंद करना पड़ा। अभी घटनास्थल पर स्वयं जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी रेस्क्यू ऑपरेशन के स्थल पर मौजूद है। योगेश, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है या रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, परंतु जो अभी एनडीआरएफ की यहाँ पे दल पहुंचना था उसके 23 सदस्य यहाँ पहुंच चुके हैं, जो अभी घटनास्थल से 2 किलोमीटर नीचे पहुंचे हैं और साथ में आईटीबीपी के 15 जवान और घटनास्थल पर रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं और 2 वहाँ पे मेडिकल की टीमें भी पहुंच चुकी हैं जो घायलों का वहाँ पे उपचार कर रही है। अभी 3 शवों को मलबे से बरामद कर लिया गया, 8 व्यक्ति अभी लापता हैं और लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विनोद, योगेश आपसे पूरा घटनाक्रम जानना चाहेंगे, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला और कितने शव बरामद हो गए अब तक? देखिए, जैसे यहाँ पे बादल फटने की घटना हुई, क्योंकि यह गांव मुख्य मार्ग से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पूरे मार्ग ध्वस्त हो चुके थे बादल फटने की वजह से, तो यहाँ पहले तो पहुँच पाना ही मुश्किल था, तो गांव के लोगों ने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उसके बाद संचार सुविधा ना होने के तहत किसी तरीके से सूचना प्रशासन के पास पहुंची, प्रशासन की सूचना पहुंचने के बाद वहाँ पे राजस्व विभाग की टीम सबसे पहले पहुंची, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुंची और उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा और जब हालातों को काबू पे नजर नहीं आ रही थी तो एनडीआरएफ की मांग जिला प्रशासन द्वारा की गई, जिसके तहत एनडीआरएफ के 23 सदस्य आज घटनास्थल से 2 किलोमीटर नीचे पहुंचे हैं और लगता है कि अब आईटीबीपी और एनडीआरएफ के आने से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी और जल्दी से जल्दी जो लापता व्यक्ति है उनको खोजा जा सकेगा। चलिए विनोद, योगेश एनडीआरएफ पहुंच गई है या अभी उसके पहुंचने में वक्त है, क्या एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, यहाँ पे पूरे मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं, जो बिजली के गिरे हुए तार हैं उनको पकड़ के घटनास्थल तक पहुंचा जा रहा है और अभी 15 जवान आईटीबीपी के और एनडीआरएफ के 23 जवान घटनास्थल से 2 किलोमीटर नीचे पहुंचे हुए हैं। योगेश, क्या अभी भी अंदाजा लगाया जा सकता है कुछ और शव भी मिल सकते हैं या लापता लोगों की तलाश कब तक कर ली जाएगी, किसी से बात हो पाई आपकी? जिस वहाँ पे संचार सुविधा ना होने से किसी भी व्यक्ति से वहाँ पे बात नहीं हो पा रही, प्रशासन अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही है, वहाँ से कुछ दूरी पे लोग आके सूचनाएं दे रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अब जो आज 3 दिन बीतने को है और 3 दिन के अंदर लगता है कि जो बाकी 8 लापता व्यक्ति है शायद वो भी मृतक ही हो चुके होंगे, क्योंकि 3 दिन बहुत बड़ा समय होता है और जिस तरीके से वहाँ पे बादल फटने से घटना हुई है, जिस तरीके से मलबा आता है, तो अब बहुत कम चांस ये लगते हैं कि शायद वो अब जीवित मिले। चलिए योगेश, आप नजर बनाए रखिए, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। टिहरी से ये बड़ी खबर आ रही है जहां टनल के निर्माण से परेशानी बढ़ गई है लोगों की। बड़ी खबर आपको टिहरी से बता रहे हैं, टनल के निर्माण से लोगों की परेशानी बढ़ी है।
टनल निर्माण की वजह से मकानों में दरारें पड़ गई हैं। और आपको बता दें कि ऑल वेदर रोड के लिए ये टनल बननी है। बड़ी खबर टिहरी से आपको बता रहे हैं, टनल निर्माण की वजह से मकानों में दरारें पड़ गई हैं, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऑल वेदर रोड के लिए ये टनल बनाई गई है और इस टनल के बनाने से मकानों में दरारें आ गई हैं। तो टिहरी में टनल के निर्माण से परेशानियां लोगों की बढ़ गई हैं, स्थानीय लोग दहशत में क्योंकि मकानों में दरारें आ गई हैं। ऑल वेदर रोड के लिए ये टनल को बनाया गया है और इस टनल के बनने से जो मकान है उनमें दरारें आ गई हैं और इसी की वजह से लोग दहशत में हैं। ऑल वेदर रोड का जो निर्माण चल रहा है उसके लिए ये टनल बनाई गई थी, ऑल वेदर रोड के लिए, और इस टनल के बनाने से मकानों में दरारें पड़ गई हैं। टिहरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो टिहरी से बड़ी खबर, ऑल वेदर रोड के लिए जो टनल बनी है उसको बनाने की वजह से वहां के जो आसपास के मकान हैं उनमें दरारें पड़ गई हैं, इसकी वजह से स्थानीय लोग दहशत में हैं। तो लोगों के घरों और दुकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं जिससे दहशत का माहौल है। टिहरी में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के चलते चंबा में टनल का निर्माण किया गया है जिसके चलते अब चंबा बाजार के ठीक नीचे बनी सुरंग की वजह से कई मकानों में दरारें आ गई हैं, साथ ही दुकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। स्वागत है आपका। यमुनोत्री धाम के अंतिम सड़क पड़ाव जानकी चट्टी में अब संकरे की बजाय खुलासा दिखने लगेगा। अब यमुनोत्री धाम को आने वाले यात्रियों को जाम और धक्का मुक्की की परेशानी नहीं होगी। दरअसल यमुनोत्री हाईवे पर ऑल वेदर परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, मगर इसके लिए कई होटलों को जेसीबी मशीन से तुड़वाकर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सड़क को चौड़ा किया जाने का काम किया जाना है और ऐसे में कई होटलों को खाली कराया गया है। बड़कोट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बड़कोट से लेकर के जो जानकी चट्टी तक का जो काम चल रहा है इसमें काफ़ी सारे होटल हैं, 40-45 होटल जो इस ऑल वेदर रोड के अंतर्गत आए हैं जो इसमें, और इनको ये भी हम आपको बता दें कि इनको कंपनसेशन जो है सबको मिल चुका है और मुआवजा देने के बाद ही जो क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं तो उसमें हम होटल तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। इनको हमने पूर्व में भी जो है नोटिस जारी किए थे। उत्तराखंड में आफत की बारिश ने कहर मचा रखा है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 72 घंटे भारी बारिश की संभावना है। 21 से 23 जुलाई तक मौसम विभाग ने एक बार फिर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो 72 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी किया है। 23 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई है। तो देहरादून बड़ी खबर आपको बता दें कि 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना की चपेट में अब नैनीताल पुलिस के कर्मी भी आ गए हैं। जिले में 5 दारोगा, 6 कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल भी कोरोना की चपेट में है। एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि सभी का इलाज चल रहा है और इनके संपर्क में आए पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। नैनीताल में पुलिस कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नैनीताल में 5 दारोगा, 6 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल भी कोरोना की चपेट में है। इस पर एसएसपी
सुनील कुमार मीणा का कहना है कि सभी का इलाज चल रहा है और इन पुलिसकर्मियों के संपर्क में जो भी आए हैं पुलिसकर्मी उन सभी को क्वारंटीन किया गया है। तो फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस और कहीं ना कहीं ये परेशान करने वाली बात है। नैनीताल में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब कोरोना की चपेट में नैनीताल पुलिस के कर्मी भी आ गए हैं। नैनीताल में 5 दरोगा, 6 कांस्टेबलों और एक हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और अब आपको कोरोना से ही जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। उद्योगों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले किसी भी कर्मी और श्रमिक को जिले से बाहर जाने से पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी। तो जिले से जब बाहर जाने से पहले जो भी श्रमिक हैं उनको पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा, ये जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। उद्योगों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक जो कर्मचारी हैं अगर वो बाहर जिले से बाहर जाते हैं तो उन्हें प्रशासन को पूरी सूचना देनी होगी और इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में उन पर केस दर्ज होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। तो आपको बता दें जिस तरह से हरिद्वार के सिटकुल में एक फैक्ट्री में कंपनी में 288 मामले सामने आए थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, आगे देखिए सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन, खबरें ताबड़तोड़। We'll be right back।